चलिए आज तैयार करते हैं सबकी फेवरेट नारियल की बर्फी। ताजे नारियल की बर्फी सुपर सॉफ्ट, कैसे बनाएं? हलवाई जैसी बिल्कुल कैसे बनाएं घर पर? तो चलिए आज इसे तैयार करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु गुप्ता कुक इट रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसे बना रहे हैं आज हम दूध के साथ। तो दूध हमने लिया है करीब 1.5 गिलास। तो हमने गिलास से नॉर्मल दूध नापा है, जो हमारे घर में आता है वही दूध लिया है, और मलाई के साथ है क्योंकि ये दूध पहले बॉयल हो चुका है और ठंडा हो चुका था। तो अब हम बस इसे गर्म करेंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। दूध को हम उबलते रहने देंगे और बीच में हम एक दो बार इसको चला लेंगे। नारियल की बर्फी बना रहे हैं ताजे नारियल की, हम उसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध तो उबाल लिया है अच्छे से, अब हम इसे छोड़ देते हैं और नारियल को हम अपने कद्दूकस कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रहने देंगे, केवल 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो नारियल को मैंने पहले ही यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था। देखिए ये ताजा नारियल है, जो पानी वाला नारियल आता है उसका हमने छिलका भी उतार दिया था और उसके बाद हमने इसे कद्दूकस किया है। तो जो ये बचा हुआ है मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, इसे भी मैं यहाँ पर कद्दूकस कर लेती हूँ। तो दूध जो हमने बॉईल किया है केवल 5 से 7 मिनट तक किया है मीडियम हीट पर। बहुत ज्यादा देर हमें उसे नहीं उबालना है क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ दूध था, इसीलिए उसे हमने उबाला है। तो देखिए नारियल हमारा कद्दूकस हो गया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे बारीक। इसे बुरादा होता है ना नारियल का, उस तरीके का इसको तैयार कर लेंगे। ये अब हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसमें साथ ही हम डाल रहे हैं कुछ काजू, तो करीब 20 से 25 काजू मैंने यहाँ पर लिए हैं और कप से नाप रहे तो आधा कप है। आप चाहें तो काजू डाल सकते हैं, अदरवाइज तो स्किप कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें, क्योंकि काजू डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, इसकी सॉफ्टनेस और भी ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ही जूसी हमारी बर्फी तैयार। तो जब हमने इसे पीसा था देखिए, तो हमने इसे पल्स रेट पर पीसा था, थोड़ा रुक रुक के इसको पीसा था। इस तरह से ये ग्राइंड हो चुका है। अब दूध उबल चुका है तो एक बार मिक्स कर लेंगे और ये जो हमने ग्राइंड किया था काजू और नारियल को, इसको हम दूध में मिक्स करेंगे। तो पहले क्या करना है हमें, जो दूध के ऊपर मलाई आ गई है ना सारी कढ़ाई पे चारों तरफ, इसको हम उतार लेंगे और दूध में ही मिक्स कर लेंगे। तो बस अब जो हमने ये ग्राइंडर जार में डाला था कोकोनट और काजू, इसको हम दूध में डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है ताकि ये नीचे से जले नहीं। इस बर्फी को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में आपकी बर्फी बनके तैयार हो जाती है। क्या होता है त्योहारों के टाइम पर बाजार में मिठाइयाँ इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, मावे की होती हैं तो खराब होती हैं, पहले से ही वो लोग बना कर रखते हैं तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, केमिकल होता है। तो अगर आप घर पे बनाते हैं तो बिल्कुल हलवाई वाली मिठाई आप घर पे बना सकते हैं। तो देखिए मीडियम हीट पर ही मैंने इसको पकाया है और इसको मिक्स कर लिया है। तो बस हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो टाइम टू टाइम मैं आपको चेक कराती रहूंगी, बहुत ज्यादा टाइम इसे बनाने में नहीं लगता है और आप फ्रिज में इसे 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, पहले से ही बनाकर रख लें। तो देखिए अच्छे से देख रहे हैं ना आप, इसमें उबाल आ रहा है छींटे, तो अच्छे से अब हम इसे थोड़ा सा ढक लेंगे एक हाथ से ताकि जो छींटे हैं वो ऊपर ना आए। तो दूसरे हाथ से हम इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में जले नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से जब ये थिक हो चुका है, आप देखिए ना इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है, बहुत ही सॉफ्ट आपकी बर्फी तैयार होती है ये। और अब हम इसमें डाल रहे हैं पाउडर शुगर, तो मैंने आधा कप पाउडर शुगर इसमें डाली है और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे नारियल के बुरादे से भी बना सकते हैं इसी तरीके से, जो मार्केट में आता है ना डेसिकेटेड कोकोनट, बिल्कुल इसी तरीके से आप उसी से भी ये बर्फी तैयार कर सकते हैं। हम इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स और यूज नहीं कर रहे हैं, कोई इलायची नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जो नारियल का फ्लेवर है ना वो अलग ही आता है, उसका टेस्ट बहुत सॉफ्ट होता है, जूसी बर्फी हमारी तैयार होती है। और ना मावा है ना घी है, अगर आप चाहें तो बिना घी भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए काफी थिक हो गया है, 5-7 मिनट ही मैंने इसको पकाया है, बस चलाना हमें इसे लगातार है ताकि ये जले नहीं।
तो जब ये अच्छे से थिक हो गया है तो अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाला है। अगर आप चाहें तो बिना घी भी इसको बना सकते हैं। घी हम इसमें इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये जब तक रहेगी ना 10 दिन 15 दिन बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहेगी, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस घी को भी अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बस हमें जब तक इसको चलाना है तब तक ये पैन को छोड़ ना दे। जैसा कि दिवाली है, करवा चौथ है, आप घर पर ही मिठाई बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। दिवाली स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज मैंने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, तो लिंक मैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे तरीके की मठरियां हैं, कचौरियां हैं, बहुत सारी मिठाइयां हैं, बर्फी, रसगुल्ले, बहुत सारे तरीके के लड्डू, तो आप सब तैयार कर सकते हैं। तो देखिये यहाँ पर इसको मैंने इतना पका लिया है कि जब हम इसे गिरा रहे हैं तो ये एकदम गिर नहीं रहा है, मिक्सचर इसका एकदम थिक हो चुका है। तो बस इस कंडीशन पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और अब हम इसे थोड़ा सा कढ़ाई में ही ठंडा करेंगे। तो बस इतनी देर ये कढ़ाई में ठंडा होता है ना, हम इसके लिए बर्तन सेट कर लेते हैं जिसमें हमें इसे सेट करनी है। तो यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है, आप कोई थाली परात ले सकते हैं, कोई भी प्लेट ले सकते हैं। बस बटर पेपर इसमें लगाया है और घी से इसको ग्रीस कर दिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको डबल कलर में हम बना रहे हैं। तो हमने इसको 1/4 पार्ट इसका अलग कर दिया है और 3/4 पार्ट अलग कर दिया है। अब हमें इसे जो 3/4 वाला पोर्शन है उसको हम केक टिन में बटर पेपर के ऊपर रख लेंगे और इसको हम सेट कर लेंगे पहले। ये हमें तभी करना है जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, हमें फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसको सेट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल सेट कर लिया है। अब जो हमने 1/4 पोर्शन छोड़ा था उसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल रहे हैं। इससे क्या है ना, आप बिना कलर भी बना सकते हैं पर इससे बिल्कुल हलवाइयों वाला लुक आएगा। डबल लेयर वाली बर्फी हमारी तैयार होगी और बिल्कुल किसी को नहीं पता चलेगा कि ये आपने घर पे बनाई है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपकी ये बर्फी कैसी तैयार हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो बस देखिए अब जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको हम इसके ऊपर हल्का हल्का सेट करेंगे, बहुत हल्के हाथ से करेंगे। बस इसे हम हल्का हल्का इस तरह से फैला देंगे बर्फी के ऊपर पूरी तरह से। देखिए बिल्कुल एकसार इसको हम कर लेते हैं स्पैचुला से। बस इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया है। तो देखिए 3 घंटे मैंने इसको रखा था, पूरी तरह सेट हो चुका है। अगर आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, 10 से 12 मिनट कुल लगे हैं मुझे इस बर्फी को बनाने में। करवा चौथ दिवाली पर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल जूसी सॉफ्ट रहती है, मतलब 8 से 10 दिन भी ये बिल्कुल खराब नहीं होगी, हार्ड नहीं होती अगर आप इस तरीके से इसको तैयार करते हैं। तो देखिए बिना मिल्क पाउडर, बिना मावे, बिना किसी झंझट के आप सुपर सॉफ्ट ये नारियल बर्फी तैयार कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ये सिल्वर वर्क, आप चाहें तो सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ड्राई फ्रूट्स की कतरन आप लगा सकते हैं। तो बस सिल्वर वर्क लगाने के बाद ना मैं थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है और उससे मैं इस तरह से कैप से सर्कल बना देती हूँ जिससे ये और भी हलवाइयों वाला लुक देगी। तो बस इतनी टेस्टी बर्फी है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये बर्फी की रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक करना ना भूलें। देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया बनी है, 10 से 15 दिन आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।